वेलकम बैक, स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल वसीम। आज की वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप फुल प्रोसेस दिखाने वाला हूं कि आप अपने आधार कार्ड में एड्रेस ऑनलाइन चेंज कैसे करोगे, और साथ में आपको ये भी दिखाऊंगा कि आप अपने एड्रेस आइडेंटिटी प्रूफ अपलोड क्या करोगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि और भी हेल्पफुल कंटेंट आप तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले आपको आना होगा अपने मोबाइल फोन के क्रोम ब्राउजर पे। ब्राउजर पे आने के बाद आपको सर्च करना होगा UIDIA। UIDIA सर्च करने के बाद आपके सामने udi.gov.in यानी UDI का ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगा, तो आपको इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद आपके सामने आधार UDI का ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे माय आधार पे क्लिक करना है। माय आधार पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे अपडेट डेमोग्राफिक डाटा एंड चेक स्टेटस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद आपके सामने शो हो जाएगा वेलकम टू आधार यानी लॉगिन पेज आधार का ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करना है। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने एक और पेज डिस्प्ले हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना आधार नंबर एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको फिल करना होगा कैप्चा। कैप्चा फिल करने के बाद आपको सेंड OTP पे क्लिक करना है। सेंड OTP पे क्लिक करने के बाद आपके आधार कार्ड पे एक OTP सेंड किया जाएगा 6 डिजिट का। उसके बाद आपको यहाँ पे OTP एंटर कर देना है। OTP एंटर करने के बाद आपको लॉगिन पे क्लिक करना है। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आप सक्सेसफुली लॉगिन हो जाओगे। उसके बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा थर्ड ऑप्शन पे अपडेट आधार ऑनलाइन, तो आपको इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे प्रोसीड टू अपडेट आधार पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे अपनी आप लैंग्वेज चेंज कर सकते हो। उसके बाद आप अपना नेम चेंज कर सकते हो, डेट ऑफ बर्थ चेंज कर सकते हो, जेंडर चेंज कर सकते हो, और उसके बाद आपको इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि आप अपना एड्रेस चेंज कैसे करोगे। तो आपको यहाँ पे लास्ट पे जो ऑप्शन आ रहा है तो आपको इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद आपको प्रोसीड टू अपडेट पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे जो भी डिटेल्स अपडेट करनी होगी वो यहाँ पे शो हो जाएगी। उसके बाद आपको यहाँ पे कियर ऑफ डालना होगा। कियर ऑफ डालने के बाद आपको यहाँ पे अपना हाउस नंबर, बिल्डिंग, अपार्टमेंट नंबर डालना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पे स्ट्रीट, रोड, लैंड फिल करना होगा। ये फिल करने के बाद आपको अपनी एरिया, लोकलिटी और जो सेक्टर आपका पड़ता है वो फिल करना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पे फिल करना होगा लैंडमार्क। लैंडमार्क फिल करने के बाद आपको यहाँ पे अगर अपना पिन कोड गलत होगा तो आपको यहाँ पे अपना पिन कोड फिल करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे विलेज अपना सिलेक्ट करना है। विलेज सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे अपना पोस्ट ऑफिस सिलेक्ट करना है। पोस्ट ऑफिस सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है। डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे अपनी स्टेट सिलेक्ट करनी है। स्टेट सिलेक्ट करने के बाद उसके बाद आपको यहाँ पे वैलिड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट टाइप अपना सिलेक्ट करना होगा। इस पे क्लिक करने के बाद आप अपना यहाँ पे आइडेंटिटी प्रूफ जो है वो आर्मर्स लाइसेंस भी अपलोड कर सकते हो, या आप अपना बैंक स्टेटमेंट, पासबुक अपलोड कर सकते हो, या अपनी आप डिसेबिलिटी आईडी कार्ड अपलोड कर सकते हो, या अपनी जो आइडेंटिटी प्रूफ रहेगा वो ड्राइविंग लाइसेंस भी अप्लाई कर सकते हो। यहाँ से आप अपना किसान फोटो पासबुक भी अपलोड कर सकते हो, और यहाँ से आप अपनी पेंशनर फ्रीडम फाइटर फोटो कार्ड भी अपलोड कर सकते हो, और आप अपना जो राशन कार्ड है वो भी अपलोड कर सकते हो। जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल होगा, इसमें जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास अवेलेबल होगा, या सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म होगा, या सेकेंडरी स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट होगी जिस पे आपका जो एड्रेस है वो मेंशन होगा, वो डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर सकते हो। इसके बाद जो भी आपके पास आइडेंटिटी एड्रेस प्रूफ अवेलेबल होगा तो आपको वो सिलेक्ट कर देना है। एड्रेस प्रूफ सिलेक्ट करने के बाद आपको ओके पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको व्यू डिटेल्स एंड अपलोड डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे कंटिन्यू टू अपलोड पे क्लिक करना है। कंटिन्यू टू अपलोड पे क्लिक करने के बाद
उसके बाद आपको अपना डॉक्यूमेंट सिलेक्ट कर देना है। डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करने के बाद आपका जो आइडेंटिटी एड्रेस होगा वो अपलोड हो जाएगा। अपलोड होने के बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक, उसके बाद आपके सामने आपका जो न्यू एड्रेस है वो शो हो जाएगा। अगर आपको इसमें भी एडिटिंग करनी होगी, कहीं मिस्टेक हो गया होगा, तो आपको यहाँ पे एडिट पे क्लिक करना होगा और आपको यहाँ पे चेक करना होगा अपना सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। उसके बाद आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे एलो UIDAI टू करेक्ट माई रिलेटेड इन एक्यूरेसी इस पे क्लिक करना है, और साथ में आपको आई हेयर बाय कंफर्म इस पे भी क्लिक करना है। दोनों पे क्लिक करने के बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक, नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको दिखाएगा डियर रेजिडेंट यू हैव चार्जेड 50 रुपीज। आपको ऑनलाइन अपने जो पेमेंट है वो 50 रुपीज करनी होगी अपना एड्रेस अपडेट करने के लिए। उसके बाद आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है आई हेयर बाय कंफर्म इस पे क्लिक करने के बाद आपको मेक पेमेंट पे क्लिक, मेक पेमेंट पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ऑप्शन आएंगे कि आप अपने क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या पेटीएम वॉलेट से या नेट बैंकिंग या यूपीआई से अपनी पेमेंट करनी होगी। तो उसके बाद आपको आपके पास जो भी पेमेंट ऑप्शन अवेलेबल होगा तो आपको वो सिलेक्ट कर देना है। जैसे कि मैं यहाँ पे क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के साथ करूंगा। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना कार्ड नंबर एंटर करना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पे एक्सपायरी डेट और CVV नंबर और नेम एंटर करना होगा, जो भी आप कार्ड यूज कर रहे हो। ये सारी डिटेल्स फिल करने के बाद आपको प्रोसीड पे क्लिक करना है। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद आपके बैंक के साथ जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पे एक OTP सेंड किया जाएगा। OTP डालने के बाद आपकी पेमेंट हो जाएगी। पेमेंट होने के बाद आप अपनी रिसिप्ट प्रिंट कर सकते हो। तो उसके बाद आपको 10 से 15 दिन का वेट करना होगा। वेट करने के बाद आपको एक मैसेज आ जाएगा कि आपका जो आधार एड्रेस है वो अपडेट कर दिया है। उसके बाद आप अपना जो आधार कार्ड है वो UDI की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो, या आपको प्रिंट करके सेंड कर दिया जाएगा। आपके पिन यानी जो भी आपका एड्रेस होगा, आपका पोस्ट ऑफिस एड्रेस होगा, वहां पे सेंड कर दिया जाएगा। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, अल्लाह हाफिज, थैंक यू।